हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन एस क्लासेज माई नेम इज़ नीतू आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है ठीक है उसके बाद देखेंगे एसक्यूएल क्यू ज्वाइन क्या होता है फिर जो है आपका यहीं पर आपके जो ट्वेल्थ क्लास के एन की थर्ड यूनिट है यानी कि डी बी एम एस एंड एस क्यू एल वाला जो क्वेश्चन है यहीं पर आपका कंप्लीट होगा तो पूरी जो चैप्टर की समरी है वो देखने वाले हैं दोनों चैप्टर्स की

तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे आई होप ज्योति आज आप आज की क्लास में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए तो अगर आपको क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर देना कि यस मैम मुझे क्लियर हो गया अगर आपको क्लियर नहीं होता तो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन में कर सकते हो कि मैम मुझे क्लियर नहीं होता फिर से एक्सप्लेन कर दो तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी ठीक है तो आज की जो क्लास है वो आपका लेक्चर फाइव है और किसी की आज अगर पहली क्लास है तो जो लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री और लेक्चर फोर जो मैं करवा चुकी हूँ प्लीज़ उनको भी जाके देख लीजिए ताकि जो है आपके जितने भी आपको मतलब एक सिक्वेंस से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो ताकि एग्जाम में आपको कहीं सिंगल पॉइंट पर भी डाउट ना रहे आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सको ठीक है तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखो एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था एनी और इन ठीक है बहुत सारे ऑपरेटर थे ऑल एंड एनी बिटवीन इन नॉट और एग्जिस्ट लाइक ठीक है तो एनी और इन जो है आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एनी ऑपरेटर जो है इट कंपेयर्स द वैल्यू कंपेयर कंपेरिजन की बात आ रही है तो ऑब्वियसली हम लेस देन ग्रेटर देन की बात करेंगे यहाँ पर और नोट क्या बोल रहा है कंपेयर अ वैल्यू टू डेट स्पेसिफाइड लिस्ट वैल्यू ठीक है तो चलिए आज की क्लास जो है वो आ, मतलब आज का जो इन और एनी है उसको अच्छे से देख लेते हैं तो एनी ऑपरेटर क्या कहता है थोड़ा ध्यान से समझना ज्योति थी एनी कंपेयर अ वैल्यू ऑफ वैल्यू टू इच वैल्यू इन अ लिस्ट रिजल्ट फॉर क्वेरी मतलब आप कोई भी क्वेरी देते हो तो उसमें क्या करता कर है वैल्यू को कंपेरिजन करवाता है इफ द रिजल्ट एज इनर क्यू कंटेन एटलीस्ट वन रो एनी मस्ट बी प्रिस बाई कंपेरिजन ऑपरेटर सपोज यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन आप यहाँ पर सिंबल यूज करते हो एनी मीन ग्रेटर देन एटलीस्ट वन वैल्यू ठीक है तो किसी ना किसी से तो मतलब बड़ा होगा ही तो यहाँ पे किस तरीके से सिंटेक्स होगा वो देख लो सिलेक्ट मैंने सिलेक्ट लिया कॉलम का नाम मेंशन किया जो भी आपकी एक्सप्रेशन है आप वो लिखोगे कि लाइक ए इज़ ग्रेटर देन बी जो भी आपकी एक्सप्रेशन है आप वो यहाँ पर मैंशन करोगे फ्रॉम टेबल का नेम टेबल का नेम स्टूडेंट हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है कस्टमर हो सकता है जो भी आपके टेबल का नाम आपने रखा है वो आप यहाँ पर मैंशन करोगे वेयर एक्सप्रेशन टू फिर एक्सप्रेशन टू लगाओगे कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर ये सारे हैं तो ये ध्यान रखना ऑल एनी और सम ये सारे के सारे क्या हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर ठीक है और फिर आपकी जो सब क्वेरी है वो आ जाएगी ठीक है इतना क्लियर है इसके बाद देखो इस डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है इस यहाँ पे देखो मैंने वेयर कंडीशन लगाई और वेयर में मैंने लिखा सेवेंटी इज ग्रेटर देन एनी जो सेवनटी है वो किस किस से बड़ा है ठीक है तो यहाँ पर सेवेंटी जो है वो ट्वेंटी से बड़ा है फिफ्टी सिक्स से बड़ा है फाइव से फिफ्टीन से सिक्सटी नाइन से टेन ठीक है तो मिनिमम क्या है मिनिमम uh, मिनिमम किससे बड़ा है मतलब पाँच यहाँ पर है पाँच मतलब पाँच यहाँ पर है तो हम किससे बोलेंगे पाँच से ठीक है तो ये जो आपका डेटा है यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और जो डेटा रिटर्न है मतलब आपको एक ट्रू वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा ठीक है अब बात कर करें वेयर सेवेंटी इज लेस देन एनी सेवनटी जो है वो किस किस से यहाँ पर छोटा है ठीक है तो एनी इज ट्वेंटी सारे आ जाएंगे मीन्स लेस देन सिक्सटी नाइन मतलब जब लेस देन की बात होगी तो सबसे जो बड़े वाला है उसको लेंगे जो ग्रेटर uh, देन की बात होगी जो सबसे छोटे वाला है उसको लेंगे ठीक है तो सेवेंटी इज लेस देन सिक्सटी नाइन इज़ फॉल्स इज नो डेटा रिटर्न ठीक है तो सेवेंटी क्या सिक्सटी नाइन से छोटा है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ पे इस बकेट में मेरे पास सबसे जो बड़ा एलिमेंट था सबसे बड़ा एलिमेंट मेरे पास क्या था सिक्सटी नाइन तो मैं उसी से तो कंपेयर करूँगी ना मैं फाइव से तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है फाइव तो भाई इससे छोटा है ही इसमें जो सबसे बड़े वाली वैल्यू थी मैंने वो ली लेकिन वो भी क्या है सेवनटी से छोटी है तो इसलिए जो वैल्यू रिटर्न करेगा क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पर आपका कोई भी डेटा जो है रिटर्न नहीं होगा ठीक है इसी तरीके से फॉर फोर मीन्स ग्रेटर देन एटलीस्ट वन वैल्यू मतलब किसी ना किसी एक वैल्यू से तो बड़ा हो लेकिन यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे सबसे छोटे वाली वैल्यू को लेंगे ग्रेटर देन की बात हो रही है तो सबसे छोटे वाली वैल्यू मैंने क्या ली पाँच ली और पाँच को भी मैंने फोर से कंपेयर किया तो पाँच जो है सॉरी चार जो है वो पाँच से क्या है छोटा है तो यहाँ पर ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर भी आपका कोई भी डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न नहीं होगा अब देखो फोर इज ग्रेटर देन एनी फोर जो है वो किस किस से बड़ा हो सकता तो फोर में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हम लेंगे तो यहाँ पे सिक्सटी नाइन है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है और तो मेरी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी ठीक है तो इसी तरीके से एनी को हम सॉल्व करवाते हैं कंपैरिजन करवाते हैं कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया सम एनी ये सारे जो है हैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं ठीक है तो लेस देन ग्रेटर देन यही चेकआउट करते हैं ठीक है तो आई होप आपको क्लियर होगा तो यहाँ पर हम वैल्यूज रिटर्न करवाते हैं ट्रू होगी ट्रू होगी तो डेटा रिटर्न होगा अदरवाइज फॉल्स होगी तो आपका कोई भी डेटा आपको रिटर्न नहीं होगा क्लियर है क्लियर है ज्योति आगे देखो आगे देखो इन ऑपरेटर क्या करता है इन द इन ऑपरेटर चैक वैल्यू विद इन सेट ऑफ वैल्यू इज सेपरेटेड बाई कोमा एंड रिट्रीव रो फ्रॉम द टेबल विच आर मैचिंग ठीक है तो द इन रिटर्न वन अगर इन जो है वो वन को रिटर्न करे तो यानी आप समझ लेना कि उसने कुछ ना कुछ वैल्यू को वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है ठीक है अगर इन जो है वो कुछ भी किसी भी रेंज में नहीं है मतलब अगर आपने आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो लाइक एक बकेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट पड़े हैं और आपको जो नंबर चाहिए वो इस में अवेलेबल है तो यानी कि वन होगा और इसमें नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करेगा ज़ीरो आप समझ जाओगे कि जीरो है तो यहाँ पर जो है वो एलिमेंट नहीं है ठीक है तो यही काम आपका क्या होता है इन ऑपरेटर का तो यहाँ पर सिंटेक्स देखो सेलेक्ट कॉलम का नेम जिस भी कॉलम में आप सेलेक्ट करवाना चाहते हो एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल का नेम वेयर हैविंग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो वेयर यूज़ कर सकते हो हैविंग यूज़ कर सकते हो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं वेयर हैविंग ठीक है एंड और और आप कुछ भी लगा सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो नोट यूज़ मतलब कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ठीक है इन कंप्यू uh, वैल्यू वन कंपनी वैल्यू टू मतलब ये है कि सिंटेक्स है ठीक है तो ये इस तरीके से आपका सिंटेक्स आएगा अब देखो एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ तो यहाँ पे एक देखो आपके पास एक बकेट है तो बकेट में आ, बोला है कि आपको फिफ्टीन यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो एग्जाम्पल में यही बोल रहा है कि आपके आपको सेलेक्ट करना है फिफ्टीन और इन आपने लगा दिया और यहाँ पे ये इसमें जो है एक सारे एलिमेंट पड़े हैं तो इसमें आपको चेक करना है कि फिफ्टीन जो है वो इस रेंज में स्पेसिफाइड है या नहीं मतलब जो आपने वैल्यू दी है वो जो रेंज है वो जहाँ पर आप सर्च कर रहे हो वहाँ पर है या नहीं तो विद इन रेंज जो की बात हो रही है तो वो कौन कहाँ पर होती है इन ऑपरेटर में ठीक है तो फिफ्टीन यहाँ पर है तो यह क्या आपको वन रिटर्न करेगा ठीक है तो यही है जीरो आएगा तो मतलब समझ लेना कि वो वैल्यू वहाँ पर नहीं है ठीक है तो क्लियर है आई होप आपको ज्योति इन और एनी ऑपरेटर क्लियर हो गए होंगे फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो बिल्कुल आप पूछो ठीक है तो मैं बार बार बोलती हूँ अगर आपको कहीं पर भी सिंगल पॉइंट में भी डाउट है तो आप बिल्कुल अपने डाउट पूछा करो ताकि क्या पता है? जिस जो क्वेश्चन आप पूछ लो वही एग्जाम में आ जाए ठीक है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन और अपना जॉइन एसक्यूएल जॉइन जो है आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ जो है आज, आज आपका आ, मतलब सिलेबस मतलब एसक्यूएल का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा ठीक है तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शन इज यूज टू तो परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज ऑन अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल मतलब क्या करवाता है कैलकुलेशन करवाने के लिए ठीक है तो बहुत सारे आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं इट इज ऑल्सो यूज टू समराइज द डेटा डेटा को समराइज मेमोराइज करना ठीक है एक बहुत सारी अलग अलग वैल्यू रखी है और उनको मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बना दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा एग्रीगेट फंक्शन मतलब समराइज कर दिया डेटा को ठीक है अब देखो टाइप्स ऑफ एस एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या पांच टाइप्स होती हैं हमेशा याद रखना काउंट सम मीन मैक्स एवरेज ठीक है तो कई बार एग्जाम में यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है या इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन होगा ठीक है लाइक आपको इन दे दिया एनी दे दिया ठीक है और आपको काउंट दे दिया ठीक है उसके बाद दे दिया बिटवीन तो इसमें से पूछेगा कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है तो यानी कि तीन तो नहीं है काउंट जो है वो आपका एग्रीगेट फंक्शन है या फिर ऐसे दे देगा कि आपके आपको दे देगा काउंट सम एवरेज और एक दे देगा दे बिटवीन uh, like लगा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा यहाँ पर जो है एग्रीगेट uh, फंक्शन नहीं है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है और आने के चांसेस भी हैं तो इसको अच्छे से ध्यान दे लेना लेना इन पांचों जो एग्रीगेट फंक्शन है 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 इनको अच्छे से देख ठीक तो mean, max, some, average, some है, तो मीन मैक्स सम सम एवरेज एवरेज भी होगा मीन है तो मैक्स भी होगा और ये सारी चीजें हैं तो ओबियसली काउंटिंग तो बनती ही है तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो ठीक है अब देखो सबसे पहला फंक्शन है आपका काउंट फंक्शन काउंट के नाम से ही आपको सुन समझ आ रहा होगा कि हाँ

तो काउंट स्टार कंसीडर डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू ठीक है तो काउंट जो है वो क्या डुप्लीकेट और नल वैल्यू को भी क्या करता है कंसीडर करता है तो सिंटेक्स देखो काउंट स्टार और काउंट ऑल डिस्टिंक एक्सप्रेशन ठीक है तो ये सिंटेक्स हो जाएगा अब यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल ली है सैम्पल टेबल प्रोडक्ट मस्ट नाम से है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कंपनी क्वांटिटी रेट और कॉस्ट ये सारी चीज़ें हैं अब मैं इस पर किस तरीके से एग्जाम्पल देखो काउंट मैंने किया क्या काउंट किया काउंट स्टार तो ऑब्वियसली रो को काउंट करके दे देगा तो यहाँ पे रोड काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल तो आपके पास कितनी रो हो गई दस ठीक है अब देखो काउंट विथ वेयर आपको यहाँ पे कंडीशन लगा दी वेयर यूज़ किया मैंने कंडीशन क्या लगाई काउंट स्टार कहाँ से कहाँ कहाँ से करोगे प्रोडक्ट मस्ट यानी कि जो आपकी टेबल है उसका नाम आ जाएगा और मैंने कंडीशन क्या लगाई है वेयर रेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी मतलब वो काउंट करना है जिसके रेट बीस या बीस से ज़्यादा हो ठीक है तो अब काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे रेट की बात हो रही है तो ये छोटा है बीस से ये बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है ये बराबर है बराबर की भी बात हो रही थी ये है ये है ये छोटा है ये और ये तो टोटल देखो तीन पे क्रॉस लगा है एक दो तीन टोटल दस आपके पास रो थी तो तीन कट चुकी हैं तो कितनी बचेंगी सात ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा सात तो इसी तरीके से जो काउंट फंक्शन है आपका वर्क करता है क्लियर है आगे देखो ये जो है काउंट विद डिस्टिंक्ट काउंट बाई विद ग्रुप बाय काउंट विद हैविंग क्योंकि ये सारी चीज़ें ये जो सारे क्लोज हैं हम कर चुके हैं आपको पता भी होना चाहिए ठीक है ग्रुप में हम ग्रुपिंग कर देते हैं अब मैंने आपको करवाया था ना जो सिमिलर सिमिलर जो uh, आपके कॉलम हैं कंपनी है जो भी है uh, सबको क्या कर देगा ग्रुप में बना देगा कि कॉम जो है वो पाँच बार रिपीट हो रहा है कॉम टू जो है वो थ्री बार रिपीट हो रहा है कॉम थ्री जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है हैविंग में क्या किया है मैंने कंडीशन लगा दी ठीक है और डिस्टिंक्ट में यहाँ पर मैंने क्या करवाया है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक कंपनी फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट ठीक है तो मैंने क्या किया कंपनी को यहाँ पे क्या करवा दिया कंपनी आपकी कहाँ पे है ये तो कंपनी आपकी टोटल कितनी है एक दो और तीन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तीन ठीक है तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इनको आगे देखो सम फंक्शन सम फंक्शन से ही आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं सारे कॉलम को सम करवा देते हैं सम फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑल ऑफ ऑल सेलेक्टेड कॉलम लेकिन जो भी कॉलम मैं सिलेक्ट करूंगी उन सबका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा इट वर्क ऑन नुमैरिक फील्ड ओनली ये जो वर्क करते हैं सिर्फ नुमैरिक पे करता है क्योंकि नुमैरिक डेटा ही आप ऐड कर सकते हो बाकी जो लाइक like, नाम है उनको तो आप ऐड नहीं कर सकते ठीक है लाइक like, अगर बहुत सारे नाम हैं ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी ये तो आप कुछ कर नहीं सकते ऐड करने से आपको मिलेगा क्या कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऐड जो है वो आप कहाँ पर यूज़ करोगे नुमैरिक फील्ड पर ठीक है तो सिंटेक्स क्या रहने वाला है सम सम ऑल डिस्टिंग एक्सप्रेशन तो यहाँ पे एग्जांपल या मैंने सम किसका कोस्ट का मैंने सम करवाया है फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट तो प्रोडक्ट मस्ट आपकी जो है टेबल है और जिसमें आपने किसका सम करवाया है कोस्ट का ठीक है तो देख लेते हैं ये जो है आपकी कोस्ट है और इसका जो टोटल है टोटल करके देखो बीस नाइन्टी और नाइन्टी और सिक्सटी और फिफ्टी वन टेन थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री हंड्रेड और वन फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी और फिफ्टी हंड्रेड ठीक है हंड्रेड और नाइन्टी फाइव और सेवेंटी फाइव नाइन्टी फाइव और 75 फाइव कितना हो जाएगा सत्रह ठीक है तो फाइव हंड्रेड हमारा वो आ रहा था और वन सेवेंटी ये आ गया तो टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा फिर से काउंट कर लो भाई वन फिफ्टी वन फिफ्टी यहाँ पे रहता थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड और वन uh, फिफ्टी आपका क्या हो जाएगा थ्री फिफ्टी सॉरी वन फिफ्टी और वन फिफ्टी थ्री हंड्रेड और वन फिफ्टी फोर फिफ्टी हो जाएगा फिफ्टी मैंने ऐड कर दिया तो फाइव हंड्रेड यहाँ से रहा है और आपका जो है नाइन्टी फाइव और सेवेंटी फाइव ये बचा तो टोटल जो ये वन सेवेंटी तो फाइव हंड्रेड और वन सेवेंटी आपका क्या हो जाएगा सिक्स सेवेंटी तो टोटल ऐड करने के बाद जो है कॉलम का ये आपके पास आना चाहिए तो आउटपुट देखो सिक्स सेवेंटी क्लियर है तो इस तरीके से जो है आप यूज़ करोगे आगे देखो सम विद वेयर वेयर कंडीशन वेयर कंडीशन में मैंने क्या लगा दिया कि क्वांटिटी जो है वो थ्री से क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए फिर ग्रुप बाई में ग्रुप बाई मैंने क्या कर दिया कंपनी वन और कंपनी टू के डेटा को ऐड करवा दिया ठीक है और हैविंग में मैंने वही कुछ ना कुछ लगा दिया कि वन सेवेंटी के बराबर इक्वल होना चाहिए वही आपको दिखाना है तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ इसलिए बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ अब देखो एवरेज फंक्शन एवरेज फंक्शन का भी आपको पता है कि टोटल करके जो है जितने नंबर्स दे रखे हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज फंक्शन इज़ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ़ नॉन वैल्यू ठीक है तो एवरेज ऑल डिस्टिंग एक्सप्रेशन तो सेलेक्ट मैंने क्या किया एवरेज कोस्ट और कोस्ट uh, जो भी थी आपकी उसको आपने सिक्स सेवेंटी आया था टोटल और कितने हैं कितनी रो हैं आपके पास दस दस से मैं डिवाइड कर दूंगी तो आपके पास एवरेज क्या आ जाएगी सिक्सटी सेवन तो एवरेज में ऐसे ही करवाते हो ना कि फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स है तो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके फाइव से डिवाइड करवा देते हो तो सेम चीज़ यहाँ पर की है तो एवरेज आपकी क्या हो जाएगी सिक्सटी क्लियर है अब देखो मैक्स फंक्शन मैक्स फंक्शन से ही आप समझ रहे होगी कि, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर शो अप करेगा तो मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्टेन कॉलम मतलब कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेगा द फंक्शन डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉलम ठीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम रेट सेलेक्ट मैक्सिमम रेट मैक्सिमम रेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ये है और मैक्सिमम रेट कितना है यहाँ पर थर्टी थर्टी है और यहाँ पर मिनिमम भी चेक कर सकते हो कितना है तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात हो रही है तो मैक्सिमम जो है है वो आपका क्या आ जाएगा क्लियर अब देखो मीन फंक्शन मीन फंक्शन में जो मिनिमम वैल्यू है कॉलम में वो हम यहाँ पर शो अप करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है रेट का मिनिमम तो रेट हमने देखा रेट आपका मिनिमम क्या था टेन तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी टेन क्लियर है अब देखो एसक्यूएल क्यूएल ज्वाइन एस ज्वाइन भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन फुल ज्वाइन ठीक है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपके वैसे तो बहुत सारे जॉइन ऑपरेशन होते हैं लाइक इक्वी ज्वाइन हो गया नेचुरल ज्वाइन हो गया ठीक है सेल्फ ज्वाइन हो गया ठीक है लेकिन जो है आज जो है हम इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन और फुल जॉइन यही डिस्कस करेंगे क्यों क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में इससे ज्यादा जॉइन ऑपरेशन नहीं दे रखे थे और मुझे भी लगा कि हम एन कर रहे हैं तो जितना एन में सिलेबस है उसी को हम अच्छे से डिटेल में करें बाकी ज्वाइन का एस क्यूएल ज्वाइन एस का जो पोर्शन जब हम डी में करेंगे तो वहाँ हम जो ज्वाइन के जितने भी ऑपरेशन है इक्वी नेचुरल वो सारे हम डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है अब जॉइन ऑपरेशन देखो अब लाइक आपके पास दो टेबल हैं दो तीन टेबल हैं तो उनको आपस में कंबाइन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं ठीक है तो कंबाइन टू और मोर टेबल्स तो यहाँ पे मेन

अब देखो ये आपके पास एक एम्प्लॉय की टेबल हो गई ये आपके पास एक प्रोजेक्ट टेबल है ध्यान से समझना अब इनर जॉइन की बात कर रहा है इनर जॉइन क्या कह रहा है नेस्क्यू इनर जॉइन सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल मतलब दोनों ही दोनों टेबल में जो वैल्यू मैचिंग है लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिसफाई जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इफ़ द रिटर्न रिटर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रो फ्रॉम द बोथ टेबल वेयर द कंडीशन सेटिस्फाई ठीक है Osionfish. अब यहाँ पे सिंटेक्स देखो क्योंकि आपकी जो है बहुत तो काफी सारी टेबल्स हैं तो मैंने तो यहाँ पर दो ही का एग्जाम्पल लिया है आपके डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं तो मैंने सेलेक्ट लगाया टेबल वन का कॉलम वन और टेबल वन का कॉलम टू और टेबल टू का कॉलम वन और इसी तरीके से टेबल टू का कॉलम टू ठीक है तो फ्रॉम टेबल वन तो टेबल वन जो है आपकी कौन सी थी एम्प्लॉय वाली थी और टेबल टू आपकी कौन सी थी प्रोजेक्ट तो ऑन टेबल वन मैचिंग कॉलम इज इक्वल टू टेबल टू मैचिंग कॉलम तो टेबल वन का जो अब हम आ, मैं क्या करवा रही हूँ दो टेबल को आपस में ज्वाइन करवा रही हूँ तो उसमें से कुछ ना कुछ तो जो है कॉमन होना चाहिए लाइक कस्टमर की आईडी कॉमन है या फिर एम्प्लॉय की आईडी कॉमन है या मोबाइल नंबर मतलब जो भी है कॉमन है कुछ ना कुछ जो है कॉमन होना चाहिए तभी जो है आप ज्वाइन करवा सकते हो अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं करवा पाओगे ठीक है तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है दोनों सेम है तो यानी कि प्रोजेक्ट टेबल का कॉलम टू और इंप्लॉय टेबल का कॉलम वन जो है आपस में क्या है सिमिलर है सेम है ठीक है इसलिए जो है हम जॉइन ऑपरेशन यूज कर सकते हैं तो सेम बोल रहा है प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी जो है दोनों क्या है बराबर है ठीक है तो इसलिए बराबर का साइन लगा है क्लियर है अब देखो आउटपुट आपको क्या मिलेगी आपने क्या ऐड करवाया वो देख लो ये एम्प्लॉय का नेम था एम्प्लॉय के नेम को या ये आपकी मेल एम्प्लॉय आई डी थी तो ये आपके बीच में आ जाएगी ठीक है और प्रोजेक्ट का क्या है चार ही है तो चार ही है तो इम्प्लॉय आई डी आपकी चार तक है तो हम क्या करेंगे चार तक ही तो ऐड करवाएंगे उसके बाद थोड़ी करवाओगे यहाँ जो चार तक है इसी को तो ऐड करवाओगे इनको तो कर नहीं सकते क्योंकि एम्प्लॉय आई आगे तो है नहीं है ना अब देखो इनर ज्वाइन क्या कहता है इनर ना आपका कहता है सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट ये तो हमने कर लिया ना अब देखो लेफ्ट जॉइन लेफ्ट आपका कहता है कि लेफ्ट रिटर्न ऑल द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट टेबल लेफ्ट वाली टेबल में से जितनी भी वैल्यूज हैं मैचिंग वैल्यू फ्रॉम द राइट टेबल राइट टेबल में क्या करेगा मैचिंग करवाने की कोशिश करेगा इफ देयर इज नो मैचिंग ज्वाइन वैल्यू इफ इट विल रिटर्न नल अगर कोई भी वैल्यू जो है वो मैचिंग नहीं है तो ये क्या करवा देगा नल वैल्यू रिटर्न करवा देगा तो ये चीज़ हमेशा याद रखना ठीक है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट में अगर राइट वाले में वो नहीं है तो वो क्या करेगा वैल्यू को नल नल वहाँ पर शो कर देगा ठीक है तो यहाँ पे देखो क्यूरी क्या लिखी है सिलेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय का नाम और प्रोजेक्ट टेबल में से डिपार्टमेंट को क्या करो लो फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन करो किससे लेफ्ट ज्वाइन किससे करना है प्रोजेक्ट से तो प्रोजेक्ट इमो एम्प्लॉय आई डी और इम्प्लॉय की सॉरी एम, 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 एम्प्लॉय आई डी दोनों क्या हैं बराबर हैं तो यहाँ पे देखो आपकी आउटपुट क्या आएगी सेम इस तरीके से क्या सेम आएगा लेकिन यहाँ पर हमारी चार थी यहाँ पर मेरा क्या आ गया इसने क्या बोला था कि लेफ्ट नहीं मिलता है तो हम उस जगह क्या करवा देंगे नल प्रिंट करवा देंगे तो यहाँ पे दोनों जगह इसलिए आपका जो है नल आ गया है क्लियर है अब देखो राइट आउटर जोन राइट राइट क्या बोलता है पे क्या हो रहा है कि आप क्या करवा रहे हो राइट right टेबल में से लेफ्ट वाली टेबल को मैच करवा रहे हो देर इज नो मैचिंग अगर मैचिंग नहीं है तो क्या रिटर्न करवा देगा वही नल वैल्यू रिटर्न करवा देगा तो क्वेरी देखो सेलेक्ट किया हमने एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम में से और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ठीक है तो फ्रॉम एम्प्लॉय राइट जॉइन प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी दोनों क्या है बराबर है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी सेम मिलेगी क्योंकि राइट right पार्ट में आपके चार ही थे और इधर आपके सिक्स थे क्योंकि राइट right की बात हो रही है तो यहां पर जो है आपकी कोई भी नल वैल्यू नहीं आएगी क्लियर है अब देखो फुल जॉइन फुल ज्वाइन में क्या कहता है कि ज्वाइन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बॉथ लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट आउटर जोइन तो ये जो होता है ये आपका क्या कहता है कि लेफ्ट और राइट right दोनों आउटर जोन का क्या होता है कॉम्बिनेश कॉम्बिनेशन होता है फुल ज्वाइन हैव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स इफ इट पुट नल्स ऑन द बेस प्लेस ऑफ मैचिज नॉट फाउंड ठीक है तो यहाँ पे आपकी क्वेरी क्या रहने वाली है कि आपने इंप्लॉय एम्प्लॉय नेम आपका प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आ जाएगा और फ्रॉम एम्प्लॉय फुल ज्वाइन किया अपनी कस्टमर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की इम्प्लॉय आईडी दोनों क्या है सेम है तो आउट आउटपुट आपको यहाँ पर क्या मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो है फुल ज्वाइन है तो लेफ्ट और राइट right में जितना भी है अदरवाइज जो नहीं मिलता तो यहाँ पे क्या करवा देगा नल वैल्यू प्रिंट करवा देगा क्लियर है तो इसी के साथ जो है आपका ज्वाइन ऑपरेशन भी खत्म होता है तो हमने आज एग्रीगेट फंक्शन भी कर लिया और जॉइन ऑपरेशन भी कर लिए अब हम डिस्कस करेंगे रिविजन कर लेते हैं कि आ, हमने इन पाँच लेक्चर्स में से पढ़ा क्या क्या है तो सबसे पहले देखो हमने रिलेशन देखा था रिलेशन क्या होता है आपकी टेबल होती है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं डोमेन क्या कहता है डोमेनिक ओरिजिनल सेट ऑफ ऑटोमिक वैल्यू यूज्ड टू मॉडल डेटा ठीक है टप्पल्स आपकी रो होती हैं टेबल में एट्रीब्यूट आपकी कॉलम होते हैं टेबल में प्राइमरी की जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डेटा को कैंडिडेट की आर सेट ऑफ फील्ड होती हैं इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की ठीक है key, तो इसमें अल्टरनेट uh, की जो होती है द कैंडिडेट की आफ्टर सेलेक्टिंग ए की इज अ प्राइमरी की द रिमेनिंग की आर कॉल्ड अल्टरनेट की ठीक है तो आपकी एक प्राइमरी की होगी एक कैंडिडेट की हो गई बाकी जो की बची वो आपकी क्या हो जाएगी अल्टरनेट की ठीक है तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी कमांड देखी थी डी डी एल कमांड देखी थी डी एम एल कमांड देखी थी तो डेफा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है वो डेटा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है और डी एम एल जो होता है वो आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है तो नुमारिक डेटा टाइप इज इक्वल टू नुमारिक नुमारिक सी इंट फ्लॉड डेसीमल डेट जो है टाइम तो ये सारे जो हैं आपके क्या आ जाएंगे एस क्यू एल के कमांड हैं डी डी एल डी एम एल डी सी एल टी सी एल ठीक है DDL, DML, DCL, TCL, अब देखो आगे सिलेक्शन ये हमने पढ़ा था सिलेक्शन में हम क्या करवाते हैं रिलेशनल एल्जब्रा पढ़ाते हैं जिसमें सिलेक्शन प्रोजेक्शन यूनियन कार्टेसन जो है प्रोडक्ट हमने पढ़ा था इन रिलेशनल रिटर्न करता है दोज टप्पल्स मतलब उन टप्पल्स को रिटर्न करवाएगा इन रिलेशन दैट फुलफिल कंडीशन प्रोड्यूस टेबल कंटेनिंग सबसेट ऑफ रो ठीक है और प्रोजेक्शन आपका क्या करता है कि एल्जब्रा मीन्स रिटर्न दोज कॉलम इन रिलेशन दैट गिवन द एट्रीब्यूट लिस्ट ठीक है यूनियन में आप दो दो से ज़्यादा टेबल को यूनियन करवा देते हो कार्टिशन में हम क्या करवा देंगे डिफरेंट डिफरेंट टेबल को कार्टिशन करवा देंगे ठीक है एज जो है आर यूज टू तो रिलेट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टेबल तो ये आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है अब देखो क्रिएट टेबल क्रिएट में आप क्या करवा रहे हो स्ट्रक्चर को क्रिएट करवा रहे हो ऑल्टर में आप क्या करवा रहे हो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करवा रहे हो ड्रॉप में क्या करवा रहे हो फुल स्ट्रक्चर को क्या करवा रहे हो रिमूव करवा दे रहे हो ठीक है तो ये सारे जो कमांड है आपकी डीडीएल है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी कमांड क्या काम करती है कि आपके स्ट्रक्चर को क्रिएट करवाना है या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है या स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना है अब देखो इंसर्ट इंसर्ट में हमने कुछ रो ऐड करवाई सेलेक्ट कमांड हो गई आपकी डिस्टिंक्ट हो गई कि डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसको सेलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए मैक्स हो गई मीन को मिनिमम वैल्यू को पर्टिकुलर कॉलम मीन हो गया सम जो है आपका टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ़ पर्टिकुलर कॉलम एवरेज जो है टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टेन कॉलम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल ठीक है तो ये सारे जो हैं कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज़ करते हैं तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छे से क्लियर आई होगी अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और जो है आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो भी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले ठीक है नेक्स्ट क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस पर सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो फिर मिलेंगे नई नई क्लास में नई वीडियो के साथ ठीक है तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू